वाला जी तेसे? क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है जब जांच हो रही है होने दीजिए अगर एलजी पर आरोप है तो वो भी साबित हो जाएंगे अपराची जी क्योंकि केवल हम दोनों ही हैं और अक्सर ये होता है जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो मेरी बड़ी बहन बीच में बोल पड़ती है तो मैंने जैसे पूरा सुना मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरा सम्मान करेगी और बीच में नहीं बोलेगी अपने वक्त में अपना तर्क रखेगी चाहे बात कितनी भी कड़ू क्यों ना हो तो मैं आप शुरुआत करता हूँ देखिए हैप्पीनेस क्लासेज में जाते तो मुझ मु जैसे मुस्कुराते पर जिनके हाथ में हैप्पीनेस ग्लासेज होता है ना वो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हम तो आज भी कह रहे हैं सी की जाँच होने दो सी की जाँच होने दो सी की जाँच होने दो पर यहप्पीनेस हैप्पीनेस सेस वाले जो है जो दिल्ली को नशा मुक्त के बदले नशा युक्त बना रहे हैं अब सोचिए 30 जुलाई को ये लोग यहीं खड़े होकर इसी मंच पर आकर कह रहे थे दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी आ, लीकर पॉलिसी बहुत अच्छी है राजस्व बड़ा है इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है यह बहुत अच्छी पॉलिसी है यह उन्होंने कहा था यह संजय सिंह जी ने भी उठाई थी बात इनके तमाम प्रवक्ता ने उठाई आज आकर कह रहे दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बहुत खराब थी इसमें घाटा हुआ अरे जब घाटा हुआ था और यह बात मान्य थी तो उस दिन का स्टेटमेंट जो मनीष सिसोदिया संजय सिंह और बाकी के प्रवक्ता ने दिया पहले तो वो झूठ निकला दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय पर सी की जाँच का विरोध क्यों किया आज चलिए आप मान गए सी

एम e जो थर्टी करोड़ का जोन वन एयरपोर्ट में आपने माफ किया जबकि उसको आपको जब्त करके रखना था क्योंकि एनओसी वो नहीं ला पाई थी कं, कंपनी एल वन वाली वो आपने तीस करोड़ का मुनाफा उस कंपनी को क्यों दिया दूसरा एक सौ करोड़ की राहत जब पीक ऑफ कोविड था तब आपने लिकर माफिया को किस आधार पर दिया तीसरा चौदह मई को एक फैसला कैबिनेट ने लिया कि मनीष सिसोदिया सारे निर्णय लेंगे उसका एलजी ने विरोध किया उसके बाद इक्कीस मई को उस फैसले को वापस लिया गया उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज वो निर्णय लेते गए तीसरा ये वायलेशन था कई कानूनों का चौथा इनको पता है कि आठ तारीख को आठ नवंबर 2021 को उन्होंने पचास रुपए का डिस्काउंट हर इंटरनेशनल कंपनी को बेयर पर दिया प्रति केस जिससे कि राजस्व में नुकसान हुआ ये किस आधार पर यह निर्णय लिया गया पांचवा जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में थी उनको रिटेल में आना अलाउड नहीं था उस पर इन्हीं की सरकार के एक ईमानदार ऑफिसर है प्राची भी भी जी प्राची जी प्राची जी प्राची जी प्राची जी प्राची जी मैंने आपको यह आगाह किया था मैंने आपको आगाह किया था इंडिया टीवी की व्यूअर्स और देश की जनता देख रही है मैंने आपको आगाह किया था आतिशी, आतिशी जी को मैंने मैंने पूरा सुना है, है। प्रा, प्राची जी, जी मुझे संरक्षण चाहिए आपके मन से ये विज्ञापन नहीं है यह विज्ञापन स्लॉट स्लॉट नहीं है डिबेट डिबेट दिस दिस इज नॉट अलाउड अगेन डन हर में होता है सवाल पूरे होने दीजिए उनके सवाल पूरे होने दीजिए जैसे ही आप जवाब दीजिए मैं इंडिया टीवी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये विज्ञापन का नहीं ये डिबेट स्लॉट है आप भी जानते हो ये नहीं जानती है ये महिला तो प्लीज आप मेरा सहायता करें

ईमानदार अफसर ने 25 अक्टूबर 2021 को शो को नोटिस जारी किया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आना अलाउड नहीं है आपने कैसे अलाउ कर दिया यह मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया छठा सवाल ये खाओगली जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को इन्होंने जोन टू और जोन थ्री दे दिया जो इसके ऊपर भी इनकी इन्हीं की सरकार के एक अधिकारी ने शोकॉज नोटिस जारी किया अधिकारी का नाम है नरिंदर सिंह असिस्टेंट कमिश्नर आईएमएफएल क्या ये शोकॉज नोटिस भी हम लोगों ने विद्वेश में दिए थे और वो शोकॉज नोटिस इन नोटिसेस पे क्या कार्रवाई की है क्योंकि इनको ये बात अक्टूबर से पता थी नवंबर से ये बात जब इनको पता थी कि एलजी के सो चेंजेस से ये सारे घटे हो रहे हैं तो नवंबर से लेकर आज तक जो पार्टी हर बात पर विज्ञापन देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उन्होंने एक भी बात नहीं उठाई आठवां सवाल मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली के जो मिक्सड एरियाज होते हैं वहां पर ठेके खोलना अलाउड नहीं है जब ये पॉलिसी को ला रहे थे तब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी पक्ष के नेता रामबीर भिदू जी भिदूरी जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा मनीष सिसोदिया जी ये गलत है पूर्ण तरीके से गलत है उसका वीडियो भी मेरे पास है मैं चला दूंगा उसको फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद भी ये परमिशन दो दो तीन तीन ठेके खोलने की किस प्रकार से दे दी और लाइसेंसिंग का जो पीरियड होता है उसको भी अपने आप से बढ़ा दिया गया बार बार इसको बढ़ाया गया ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि पंजाब में चुनाव आने से पहले मिकर माफिया को बड़ा मुनाफा दिया जाए और जैसे ही पंजाब चुनाव हो गए अब ये नई लिकर पॉलिसी को वापस करके ओल्ड पे आ गए मतलब कि लिकर पॉलिसी पे हाँ ये आला सवाल मतलब आपका? कि ये नई लिकर पॉलिसी जिसकी वकालत बस दस पंद्रह दिन पहले ये लोग कर रहे थे ये भ्रष्ट पॉलिसी है और सीबीआई की जांच जब से हुई है तब से ये शुरू हो चुका है ठीक है आतिशी जी आप ये जो सवाल पूछे ग

आपके पास भी पूरा, पूरा है क्योंकि ये साफ हो गया कि शहजाद हाँ प्राची जी ये साफ हो गया कि शहजाद पूनावाला को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है शहजाद पूनावाला को पता है कि एलजी साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खास दोस्तों को जिनकी शराब के ठेके हैं उनको फायदा पहुंचाया गया शहजाद पूनावाला को भी पता है कि कोई भी लाइसेंस देने के बाद लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बदली जाती हैं इस देश की सारी विजिलेंस गाइडलाइंस एंटी करप्शन गाइडलाइंस यह स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर टेंडरिंग और लाइसेंस होती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस अवार्ड होने के बाद नहीं बदली जा सकती है लेकिन एल साहब ने बदली एलजी साहब ने लाइसेंस अवार्ड होने के बाद दुकानें खुलने से दो दिन पहले टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जिन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से कुछ खास बिजनेस वालों को हजारों करोड़ का फायदा हो गया एलजी साहब के पास तो छह महीने से वो फाइलें जा रही थी आज एलजी साहब के डिफेंस में शहजाद पूनावाला जी और बाकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि जी मास्टर प्लान में अलाउड नहीं है तो अगर मास्टर प्लान में अलाउड नहीं है तो क्या छह महीने से एलजी साहब को ये पता नहीं था जब फाइल उनके पास चार चार बार गई और उस फाइल में लिखा था कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में लीगल लाइसेंस लिकर स्टोर खोले जाएंगे तो क्यों एल साहब ने इंतजार किया ये देखने के लिए कि लाइसेंस किसको अवार्ड होता है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस डालनी है कि नहीं डालनी है एलजी साहब के पास तो ये फाइल महीनों से जा रही थी वो मास्टर प्लान का हवाला देके कभी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते थे लेकिन उन्होंने इंतजार किया उन्होंने इंतजार किया ये देखने के लिए कि लाइसेंस किसको मिलता है और उसके बाद आखिरी समय पे उन्होंने ये दाव खेला और ये शहजाद पूना वाला जी को भी पता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ही कहने पे खेला क्योंकि जब एलजी mm. साहब पे अब जांच की बात हो रही है कि क्यों उन्होंने कुछ कंपनियों को कुछ खास कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा दिलवाने के लिए ये दाव खेला तो एल साहब खुद सामने नहीं आए बीजेपी mm. ये कहने के लिए भी सामने नहीं आए कि किसी भी व्यक्ति की सीबीआई जांच हो बीजेपी ये कहने के सामने नहीं आए कि हम इस जांच का स्वागत करते हैं बीजेपी एलजी साहब जी के बचाव में सामने आ आए तो ये भी आज स्पष्ट है कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला बच रहे हैं इस सवाल का जवाब देने से शहजाद पूना वाला इस सवाल के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए दस दस ये सवाल पूछ रहे हैं जो वो पचासों टीवी पे, पे पूछ चुके हैं पचास इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर